किसी के साथ इख्तलाफ होने के बावजूद एहतराम से पेश आना कमज़ोरी नहीं ख़ानदानी होने की दलील है। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम इन स्टाइल विद पानी। मैं अल्लाह पाक से उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम व्यूवर्स और तमाम लिसनर्स सब अल्लाह पाक के फजल व करम में होंगे, खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ करे और हम सब की मुश्किलात को दूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। व्यूवर्स, सबसे पहले बहुत माजरत कि मेरी वीडियो लेट आई है और जिसकी वजह मेरी कुछ मसरूफियात हैं, और इसके बाद बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी लास्ट वीडियो को बहुत पसंद किया, बहुत आपने हौसला अफजाई की, उसके लिए आप सबका तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरी उस काविश को पसंद किया, उस मेरी मेहनत को आपने पसंद किया आप सब ने। तो व्यूवर्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक और आज की हमारी कलेक्शन। आज का हमारा टॉपिक जो है वो हर्बेरियम फ्लावर के हवाले से है, हर्बेरियम पॉटल के हवाले से है। हर्बेरियम जो है वो ऐसा शोबा है, या इसके बारे में अगर मैं आपसे थोड़ी सी अगर इन्फॉर्मेशन शेयर करूं, तो इसमें प्लांट्स को सेव किया जाता है। अब सेव करने के भी दो तरीके हैं, लेकिन हम उस पर बात नहीं करेंगे, डीप बात हो जाएगी। लेकिन हम आज एज अ डेकोरेशन पीस जो घर में रखे जाते हैं या हम दोस्त अहबाब को गिफ्ट करते हैं, हम उसकी बात करेंगे। आज हर्बेरियम जो है वो हर्बेरियम बॉटल हम आपसे शेयर कर रहे हैं, जिसमें बहुत खूबसूरत फ्लावर जो है वो सेव किए जाते हैं और ये खूबसूरत सा डेकोरेशन पीस बन जाता है। और अगर हम फ्लावर की बात करें, प्लांट्स की बात करें, तो इसमें आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों प्लांट्स या फ्लावर इस्तेमाल हो सकते हैं इनके डेकोरेशन पीस में, और ये बहुत आसानी से बन जाता है। मेरे पास अगर वक्त मुझे मिला तो मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगी। बहुत खूबसूरती के साथ इसमें ये काम किया जाता है और बहुत ही नीट और बहुत खूबसूरत, आँखों को बहुत अच्छा लगता है। जो नेचर लवर लोग हैं मेरी तरह, उनके लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो आप आसानी से ये ख़ुद भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि ये आपके लिए मैं वीडियो एक बना सकूँ इस पर। और अगर हम इनके अवेलेबल होने की बात करें, तो आजकल तो वैसे बहुत आसान हो गया है, हर चीज़ हर जगह अवेलेबल है। लेकिन अगर इसके हम बनाने की या मेकिंग जो प्रोजेक्ट है उसकी अगर बात की जाए, तो जापान में ये बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं और दोस्त अहबाब के लिए ये ख़ुद जो बनाकर गिफ्ट किए जाते हैं उसकी अहमियत को या उसको ज़्यादा सराहा जाता है। तो वैसे ये मिल भी जाते हैं, मार्केट में भी मिल जाते हैं, पाकिस्तान में भी कहीं भी अवेलेबल हैं ये। कुछ जगहों पर मैंने इस तरह से भी देखा है कि ऑफिस में वेट ये जो स्टोन होते हैं उनमें भी इनको सेव किया जाता है, और ख़ूबसूरत सा एक फ्लावर जो है वो बीच में रखा जाता है और बड़ी खूबसूरत सी एक लुक आती है। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं डेकोरेशन बॉटल के हवाले से मेरे चैनल पर कलेक्शन, हर्बेरियम बॉटल के हवाले से स्टाइल विद मानी के प्लेटफॉर्म से आप ये कलेक्शन देख रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम सब इस तरह से कनेक्टेड रह सकें, एक दूसरे का साथ दे सकें। आपने जाना नहीं है, वीडियो के एंड तक साथ रहना है, ताकि आज की ये खूबसूरत सी कलेक्शन हम मिलकर एंजॉय कर सकें। बहुत खूबसूरत फ्लावर, बहुत खूबसूरत प्लांट, एक खूबसूरत सी लुक के साथ आप देख रहे हैं। तो वीडियो के एंड तक आप साथ रहिएगा, ताकि मज़ीद हम ये खूबसूरत सी कलेक्शन वीडियो के एंड तक एंजॉय कर सकें एक साथ। ये खूबसूरत सी बॉटल्स आप अपने स्टडी टेबल पर रख सकते हैं, कंप्यूटर टेबल पर रख सकते हैं, जहाँ पे आपको खूबसूरत लुक नज़र आए या जहाँ पे आप समझते हैं कि आपकी नज़र जो है वो बार बार पड़ती है, तो वहाँ पे रख सकते हैं ये। इवन विंडो में रख सकते हैं, किचन में रख सकते हैं। यहाँ पर अपने नए आने वाले व्यूवर्स को मैं बताती चलूँ कि यहाँ पर मेरे चैनल पे आपको फ़ैशन से रिलेटेड हर अपडेट, हर वीडियो मिलेगी। क्रॉच लवर अगर कुछ है मेरे व्यूवर्स, क्रॉच के हवाले से आपको बहुत सारे आइटम्स की वीडियोस मिलेंगी। उसमें फ़्रॉक हैं, फिंगरलेस ग्लव्स हैं, बच्चियों की फ़्रॉक हैं, कैप्स हैं, ये सब आपको मेरे क्रॉच प्लेलिस्ट में मिलेंगी। ज्वेलरी से रिलेटेड मेरे चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं, ब्राइडल ड्रेस के हवाले से मेरे चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं। तो आप विज़िट करके मेरे चैनल का आप ये सारी वीडियोस देख सकते हैं, कलेक्शन देख सकते हैं। और आज अगर बात की जाए वीडियो की, तो आज आप देख रहे हैं खूबसूरत सा डेकोरेशन पीस हर्बेरियम बॉटल के हवाले से। तो आज की वीडियो इसी हवाले से है। हमेशा की तरह आज की वीडियो के हवाले से, आज की कलेक्शन के हवाले से मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और हम अपने काम को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं आप ये भी हमें सजेशन दे सकते हैं। मैं आप सबकी बहुत मशहूर हूँ, आपने मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला और आपने साथ दिया, बहुत शुक्रिया आप सबका।
मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में ज़रूर याद रखा कीजिए, मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।